हेलो हेलो एवरीवन। मैम, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आई एम फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। बेटा, व्हिच टॉपिक वी डिस्कस अबाउट इन आवर लास्ट क्लास? यू टेल। यस अमन। मैम, आवर स्कल्टर सिस्टम। आवर स्केलेटन सिस्टम। मैम, हमने क्या पढ़ा था? मैम, कंपोनेंट्स ऑफ बोन। वेरी गुड, आप सभी को याद है अच्छी तरह। तो हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। और कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जितने कंपोनेंट्स हैं वो हमारे स्केलेटन सिस्टम में हमारे बॉडी के किसी ना किसी डेलिकेट पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम आज क्या करेंगे? आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें डिस्कस करना है बेटा जॉइंट के बारे में। ये इतना हम लोग कर चुके हैं। यस मैम। यस मैम। यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? नो मैम। मैम देख लीजिए। यस मैम, आप देख रही है? दिख रहा है ना? ये इतना आपको होमवर्क दे दिया गया था। यस मैम। यस मैम। आज हमें अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, जॉइंट। आज हम जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा। तो बेटा, आप में से जिसने भी हमें क्वेश्चन पूछे वो क्या करेंगे? अपना हैंड शो करेंगे कैमरे के सामने। ओके। यस मैम। यस मैम। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें किसके बारे में पढ़ना है? जॉइंट। जॉइंट क्या होते हैं बेटा? यस, किसको पता है? पहले से कौन बताएगा? व्हाट आर जॉइंट्स? यस शांतिका, यू टेल। मैम, जॉइंट्स आर द प्लेस मैम व्हिच कनेक्ट्स टू बोन्स। वेरी गुड। मैम जो टू बोन्स को कनेक्ट करती है। यस शांतिका, वेरी गुड। तनिष्का, आप बताइए बेटा। मैम, अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर कनेक्टेड। यस, वेरी गुड। तो जॉइंट क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी में जॉइंट कहाँ पाया जाता है? जहाँ पर दो बोन आपस में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये देखिए हमें दिया हुआ है। यस यस मैम। वी कैन मूव सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी बिकॉज ऑफ द जॉइंट। हम अपनी बॉडी के बहुत सारे पार्ट को इसलिए मूव करा पाते हैं क्योंकि वहां पर जॉइंट पाई जाती है। अगर हम एग्जांपल ले लें अपनी एल्बो का, अपनी शोल्डर का, अपनी नीज का, इन सभी जगहों पर क्या पाए जाते हैं? जॉइंट्स। और बेटा, एक भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी बॉडी का पार्ट, हमारी नेक। जो हमारी नेक है यहाँ पर भी जॉइंट पाई जाती है और जिसकी वजह से हम अपनी नेक को मूव करा पाते हैं। ओके। यस मैम। ओके मैम। तो जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर कनेक्टेड। ये जॉइंट, जो जॉइंट है वो ऐसी जगह होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन आपस में कनेक्ट होती है। इसके बाद हमने बेटा क्या पढ़ा था? लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? यस बेटा, मोटेल, व्हाट इज लिगामेंट? यस अमन। एम आर लिगामेंट इज अ टॉप फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन वेरी गुड। तो लिगामेंट क्या होता है बेटा? एक लिगामेंट इज अ टफ फाइब्रस टिश्यू। ये टफ होता है यानी कि हार्ड होता है और फाइबर का बना हुआ होता है यानी रेशों का। तो लिगामेंट टिश्यू है जो एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करता है। ओके, समझ आ गया? चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? लिगामेंट के बारे में। लिगामेंट इज अ टॉप फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर टू स्ट्रेथन ए जॉइंट। ये लिगामेंट क्या है? ये एक टॉप फाइब्रस टिश्यू है जो एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करता है और उसको पावर देता है, ताकत देता है, ताकतवर बनाता है। ठीक है बेटा, निहारिका, समझ आया? यस मैम। वेरी गुड। अब बेटा, ये जॉइंट्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? क्योंकि
क्या होता है जब हम दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं तो कोई ना कोई एक तरीका चाहिए जिससे हम उसे जोड़ सके। जैसे हमारे घर में अगर कोई चीजें टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं लगाने के लिए ताकि वो जुड़ जाए, करते हैं ना बेटा? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर ये बोन्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं ये जानना है हमें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, नॉलेजेबल थिंग है। जो जॉइंट है बेटा, ये जो दो बोन्स होती हैं ये आपस में किसकी हेल्प से कनेक्ट होती है, एक स्पेशल फ्लूड होता है जो जॉइंट्स में जॉइंट्स को कनेक्ट करता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ये एक ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है। देखिए जॉइंट्स नॉट ओनली होल्ड बोन्स, जॉइंट्स केवल बोन्स को होल्ड नहीं करती, केवल थामे नहीं रखती हैं, बल्कि मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि उन्हें पकड़े रहना है, बस क्या होती है हमारी सारी बोन्स मूव करती हैं। तो क्या होता है, एक स्पेशल फ्लूड, स्पेशल फ्लूड एट द जॉइंट्स एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट दैट रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इनेबल्स बोन टू मूव स्मूथली। अब बेटा देखिए यहाँ पर एक लिक्विड है, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक स्पेशल फ्लूड है ये जो हमारी बोन्स के बीच में पाया जाता है। अब इसकी फैलेसी क्या है, ये क्यों पाया जाता है? तो बेटा ये ल्यूब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो क्या होगा, हमारी बोन्स मूवमेंट करते करते क्या होंगी, घिस जाएंगी। ठीक है, जैसे जब हम मूव करेंगे तो ये वाली बोन्स आपस में रगड़ेंगी और घिस जाएंगी। तो इसमें घिसाव ना हो इसकी वजह से ही क्या होता है, यहाँ पर एक स्पेशल फ्लूड होता है जो फ्रिक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स घिसती नहीं है। समझ आ गया बेटा सभी को? यस मैम। ऑल जॉइंट्स एक्सेप्ट द वन इन द स्कल एंड टीथ एंड देयर सॉकेट कैन मूव। अब हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट पाए जाते हैं बेटा सारे ही मूव करते हैं, केवल हमारी स्कल को छोड़ के, हमारी जो स्कल वाली बोन्स है एंड हमारी टीथ और टीथ के सॉकेट, केवल यही नहीं मूव करती, बाकी सारी जॉइंट मूव करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि कौन सी जॉइंट मूव नहीं करती, तो आपको क्या क्या बताना है, स्कल बोन, टीथ एंड देयर सॉकेट। ओके, केवल यही दो बोन्स है, दो जॉइंट है जहां जो मूव नहीं करते, बाकी सारी कैसी होती है, मूव करती है। तो हमारे पास अब दो टाइप्स की जॉइंट हो गई बेटा, एक होती है मूवेबल, एक की मूवेबल, एक मूवमेंट करने वाली और दूसरी मूवमेंट ना करने वाली। तो जो मूवमेंट नहीं करने वाली है वो हमने पढ़ ली, कौन कौन सी है, हमारे स्कल की एंड हमारे टीथ एंड सॉकेट। तो बेटा अब हमें क्या पढ़ना है, मूवेबल जॉइंट, ऐसी जॉइंट जिसे हम मूव कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम इधर से उधर घुमा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हिंज जॉइंट। यस बेटा, हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है, कौन बताएगा, शो मी योर हैंड। हिंज जॉइंट कहाँ पाई जाती है, यस अमन। मैम नी एंड आर्म। नी एंड आर्म, वेरी गुड। ये हिंज जॉइंट जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, हमारे नी एंड आर्म में। यस बेटा, ये जो हिंज जॉइंट है इनकी क्या क्वालिटी होती है, कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकती है, यस कौन बताएगा? मैं। यस स्मिथ। मैम आगे और पीछे। आगे और पीछे, केवल ये वन डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। ठीक है, इसे हम किसी डायरेक्शन में ले जाके दोबारा उसी पोजीशन में वापस ला सकते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि फिर और पीछे चली जाए तो ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर हम अपनी नीज की बात करें, अपने घुटनों की, तो हम उसे ऊपर उठा मतलब पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये कोई बोले कि सामने से हम उसको मोड़ के ऊपर ले जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जो हिंज जॉइंट है बेटा, इसकी क्वालिटी क्या होती है, ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, बिल्कुल दरवाजों की हिंज की तरह है। ये हमारे दरवाजों में लगी होती है, हमारे दरवाजे भी केवल एक ही तरफ खुलते हैं। तो अभी एक बार हम पढ़ लेते हैं हिंज जॉइंट के बारे में। देयर आर सर्टेन जॉइंट्स इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स पाए जाते हैं दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स, और ये हमारी बोन्स को मूवमेंट करने लायक बनाते हैं। अब ये जो हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट जो बोन्स है, बोन्स इन वन डायरेक्शन जस्ट लाइक द हिंज ऑफ डोर। तो ये जो हिंज जॉइंट है ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, बिल्कुल दरवाजों की हिंज की तरह। We can move them only in one direction and straighten them back to their original position.
अभिन्न ज्वाइंट की बेटा क्या क्वालिटी है, हम केवल एक डायरेक्शन में मूव करा के दोबारा उसी कंडीशन में वापस ला सकते हैं। यस ठीक है बेटा, समझ आ गया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो अब जो अब हम ये पिक्चर देख लेते हैं, ये हमें पिक्चर गिवन है बेटा, कहाँ कहाँ हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट में हिंज ज्वाइंट पाई जाती हैं। तो हिंज ज्वाइंट आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सच एज एल्बोस, नीज, टोज एंड फिंगर्स। तो हमारी फिंगर में कौन सी ज्वाइंट पाई जाती है? हिंज ज्वाइंट, क्योंकि हमारी फिंगर भी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। हमारी एल्बो ज्वाइंट, ये भी हमारी वन डायरेक्शन में मूव करती है। इसके बाद हमारा नी ज्वाइंट, हमारे जो घुटने की हड्डी है ये भी वन डायरेक्शन में मूव करती है। और हमारे टो ज्वाइंट यानी हमारे पैरों की उंगलियों की ज्वाइंट, ये भी वन डायरेक्शन में मूव करती है। अब बेटा हमें नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ना है? ब्रॉड एंड सॉकेट ज्वाइंट। ब्रॉड एंड सॉकेट ज्वाइंट इसके बारे में किसे पता है, ये कहाँ पाई जाती है? यस सुषमा, यू टेल। मैम शोल्डर एंड हिप। शोल्डर एंड हिप, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपको ये बताना है बेटा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये किस टाइप के होते हैं, इनकी शेप कैसी होती है, इनका ये नाम क्यों पड़ा है, कौन बताएगा? मैम ये शांतिका, यू टेल। मैम their name is ball and socket joint because one of the bone in this joint has a structure like a hollow cup and hollow cup or socket, the ball shaped end fits in that hollow cup, so they are called ball and socket joints. Yes ma'am. Yes beta, very good, aapne bahut acha bataya। तो बेटा आपने बिल्कुल ही सही आंसर दिया है, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है इसका नाम बिल्कुल इसके शेप के आधार पे ही पड़ा है। अगर हमसे पूछा जाए ना तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्यों पड़ा, तो हम इसको बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि ये ज्वाइंट बिल्कुल इसी टाइप की होती है। एक बार हम देख लेते हैं, देखिए ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर क्या होता है एक आधी ये हॉलो कप है एंड नीचे क्या होता है एक सॉकेट जो इस तरह फिट किया जा सकता है, ये इसकी तरह स्ट्रक्चर होता है। अब इस टाइप की जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, ये देखिए बेटा ये हमारी शोल्डर शोल्डर गिल्डर है, यहाँ पर हमारे जो जो हमारे शोल्डर होते हैं बेटा, यहाँ से जो हमारी आर्म वाली जो हमारे हाथों की जो हड्डी आई है यहाँ पर क्या होता है ये हॉलो कप की तरह है, और इसका जो स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर फिल किया हुआ है ये कैसा होता है, एक सॉकेट की तरह। और दूसरा ये इस टाइप की बोन्स कहाँ पाई जाती है बेटा, हमारी हिप गर्डल में, ये देखिए ये हॉलो कप की तरह है और ये सॉकेट इसके अंदर फिट किया गया है। देवांश समझ आया बेटा? यस मैम। चलिए अब एक बार इसके बारे में रीड कर लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन हिंज जॉइंट। बेटा हमने हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ा था कि वो इज ओनली मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, हिंज जॉइंट कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन, जो हमारे हिंज जॉइंट है उसे हम केवल एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट जो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इसे हम एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। कैसे? अब आप अगर अपने हाथों को घुमाएं, एक्सरसाइज करते टाइम आपने देखा होगा लोग अपने हाथों को चारों तरफ घुमाते हैं शोल्डर को, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की क्वालिटी है कि हम इसे मूव करा सकते हैं कि ओनली वन डायरेक्शन में नहीं बल्कि और डायरेक्शन में भी। तो ये देखिए इसको दिया हुआ है, द बोन्स कनेक्टेड टू अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैन मूव इन मैनी डायरेक्शन, बहुत सारे डायरेक्शन में मूव कर सकती है। वन ऑफ द बोन इन दिस जॉइंट हैज अ स्ट्रक्चर लाइक अ होलो कप, इस तरह की बोन्स जो होती है वहां पर एक होलो कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। द बोल शेप्ड एंड ऑफ द अदर बोन फिट्स इनटू देयर सॉकेट, और जो दूसरा साइड होता है वो एक सॉकेट की तरह होता है जो इसके अंदर होलो कप के अंदर फिट कर दिया जाता है। This, यानी इसलिए इट इज कॉल्ड अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और इसलिए ही इसका नाम क्या रख दिया गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं, ये शोल्डर जॉइंट्स में पाए जाते हैं एंड हिप जॉइंट्स में। नेक्स्ट है हमारा पिवट जॉइंट। यस बेटा पिवट जॉइंट की क्या क्वालिटी होती है, यस कौन बताएगा? यस सौरभ, यू टेल। मैम इट इज सेपरेट विथिन द
टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन. यस अमन. मैम इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन. इट हेल्प अस मूव आवर हेड अप डाउन एंड साइड वी. यस बेटा वेरी गुड. तो जो पिवट जॉइंट है ये एक और फ्लेक्सिबल जॉइंट है जिसे हम मूव करा सकते हैं. अब क्या इसकी भी क्वालिटी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह है? क्या दोनों के मूवमेंट एक जैसी है? यस मान पाएगा? नो मैम. दोनों के मूवमेंट में क्या डिफरेंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड पिवट जॉइंट दोनों के मूवमेंट में क्या डिफरेंस है? यस अस्मित आप बताइए. मैं मूव ऑल द डायरेक्शन बट पिवट जॉइंट्स इज नॉट मूव ऑल द डायरेक्शन. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकती है एंड पिवट जॉइंट ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती. बट बेटा आपको ये बताना है कि जो पिवट जॉइंट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है. यस कंप्लीट आंसर कौन देगा इसका? यस तनिष्का आप बताइए. मैम हेड अप एंड डाउन एंड साइडवेज. यस बेटा जो पिवट जॉइंट है ये ओनली कहां मूव कर सकता है? अप डाउन यानी ऊपर नीचे और साइडवेज यानी अगल बगल. और जो हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट थी वो सारे डायरेक्शन में मूव कर सकती है. बट जो हमारी पिवट जॉइंट है ये ऊपर नीचे यानी हम अपने सर को नीचे झुका सकते हैं ऊपर उठा सकते हैं आसमान की तरफ. एंड साइडवेज यानी हम अपने लेफ्ट एंड राइट देख सकते हैं. ठीक है बेटा. तो ये पिवट जॉइंट की क्वालिटी है कि हम अप एंड डाउन एंड साइडवेज देख सकते हैं. और ये कहां से कहां तक जॉइंट होती है? ये कहां पाई जाती है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रा. ये बेटा हमारी स्कल एंड टू वर्टिब्रा हमने पढ़ा था टोटल 33 वर्टिब्रा होती है हमारी. और इसमें से जो ऊपर वाली टू वर्टिब्रा है इसी से हमारी पिवट जॉइंट कनेक्ट होती है. ओके बेटा समझ आ गया? यस यस. चलिए आगे मूव करते हैं. लास्ट आता है वो हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट. अब ये ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पाई जाती है और ये बाकियों से क्यों डिफरेंस है? सबका अलग अलग नाम क्यों रखा गया है? ग्लाइडिंग जॉइंट की क्या वैरायटी होती है कौन बताएगा? ये सौरभ आप बताइए. मैम इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्री मूविंग ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल बोन सच एज वर्टिब्रा रिस्ट एंड एंकल. यस वेरी गुड. नाउ शांतिका यू टेल. मैम दीज जॉइंट आर एन फ्लेक्सिबल जॉइंट. मैम दीज फाउंड इन आवर एंकल रिस्ट एंड वर्टिब्रा एंड एंड अदर. मैम Ma'am, their name is girding joint because they help the bone in gird and slide. Yes, very good. अब बेटा शामिका ने पूरा complete answer दिया. एक बार हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं. Gliding joint क्या है? It is also one of the free moving joint present between the small bones. ये बेटा free moving joint है. Freely move कर सकती है. ठीक है. Freely कैसे? क्या होता है जब हम यहाँ इस वाली जॉइंट्स को जब हम मूव कराते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारी और कोई जॉइंट भी मूव कर रही है. अब अभी आगे हम पढ़ते हैं समझ आएगा हमें. ये बेटा स्मॉल बोन्स के बीच में पाई जाती है जहां पर छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वहां पर ग्लाइडिंग जॉइंट पाई जाती है. सच एज द वर्टिब्रा जैसे हमने अपने स्पाइनल कोड में वर्टिब्रा के बारे में पढ़ा था. रिस्ट एंड एंकल हमारे रिस्ट में हमारे हाथों की कलाई में यानी यहाँ पर एंड एंकल यानी हमारे जो पैरों के जो टखने होते हैं यहाँ पर नीचे. तो यहाँ पर कौन सी जॉइंट पाई जाती है? ग्लाइडिंग जॉइंट. हेल्प दीज बोन्स ग्लाइड और स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर. अब क्या होता है ये जो बेटा जॉइंट है ये एक दूसरे जो बोन्स है उन्हें एक दूसरे के प्रति ग्लाइड एंड स्लाइड करने में हेल्प करती है. ठीक है. क्या होता है देखिए दूसरा इनके एक और क्वालिटी क्या है? दे ऑल्सो इनेबल अस टू बेंड ट्विस्ट और टर्न साइडवेज और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ये ऐसी जॉइंट है बेटा जो हमें
मोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए, और दूसरा अगल बगल घुमाने के लिए, पीछे की तरफ घुमाने के लिए, सारी चीजों में हेल्प करती है। तो इस टाइप की ज्वाइंट्स कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखिए हमारे पैरों की उंगलियों के बीच में भी, और यहाँ पर हमारे रिस्ट में, एंड दूसरा हमारी वर्टिब्रा में। तो ये ऐसी ज्वाइंट है बेटा जो काफी, ये छोटी छोटी होती हैं और इन बोन्स को हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये ज्वाइंट छोटे छोटे होते हैं इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता कि एक ज्वाइंट अलग से घूम रहा है, ये जो ज्वाइंट है ना ये पूरा का पूरा ही मूव कर जाता है। देखिए इन वर्टिब्रा के बीच में भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाया जाता है, और जब हम मूव कराते हैं, जब हम झुकते हैं नीचे की तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली सारी जो ज्वाइंट्स हैं ये नीचे की तरफ झुक जाती हैं, ठीक है। समझ आ गया बेटा सभी को? यस मैम। यस बेटा, चलिए अब क्या करना है, अब आगे एक बार देख लेते हैं। ये ब्रेन ट्रेजर दिया हुआ है हमें, ब्रेन ट्रेजर। What do we call a doctor who treats problem related to bones and joint? किसे पता है इसका आंसर? किसी को नहीं पता बेटा, जो हड्डियों का इलाज कराते हैं, अगर हमारी बोन्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई डिफेक्ट आ गया, तो हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? बोन्स डॉक्टर। हाँ, हिंदी में हड्डियों का डॉक्टर। बेटा उसका नाम एक अलग चीज है, जैसे हम अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। तो ऐसे ही जो हड्डियों के बारे में जो इलाज करता है, उस डॉक्टर को भी तो अलग नाम देना चाहिए ना, अलग टाइटल। क्या नाम है उसका? ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थो नाम सुना है आपने? हाँ, तो बेटा ऑर्थो किसके लिए प्रयोग होता है, किसके लिए यूज किया जाता है? हड्डियों के लिए। जो बोन्स का ट्रीटमेंट करना जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डियों का इलाज करने वाला। ओके, बोन्स का डॉक्टर नहीं। याद रहेगा बाकी सभी को? चलिए अब बेटा आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। बेटा समझ आ गया आपको? yes, Yes, ma'am. आपको? Yes, ma'am. चलिए होमवर्क मैम। बेटा आपको होमवर्क क्या करना है आज की डेट में? आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक में। ओके यस मैम। ये आपका आज के लिए इतना होमवर्क है, ये आपको सारे क्वेश्चन आज करने हैं अपनी नोटबुक में। ट्रू फॉल्स भी बेटा, ट्रू फॉल्स आप इसी में मेंशन कर सकते हैं। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दी मैम। ट्रूपी मैम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भेजी थी मैम पहले, तो मैम क्या मुझे उसको फिर से भेजना होगा? नहीं बेटा, जिसने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया है उसे दोबारा नहीं करना है, जिन बच्चों ने नहीं किया है केवल उन्हें सेंड करना है। ओके यस। इसमें भी आपको बुक सी में भी होमवर्क देना है, एक बार सुन लीजिए क्या करना है आपको। बुक बी में बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको क्या करना है बताइए सभी को, आपको क्या करना है बेटा, इनके नाम लिखने हैं और उस ऑर्गन का नाम लिखना है, उस डेलिकेट ऑर्गन का नाम जिसे ये प्रोटेक्ट करते हैं। पहले आप इनका नाम लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखना है, जिस डेलिकेट इंटरनल पार्ट को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहला कौन सा है निहारिका बेटा, ये किसकी पिक है, फर्स्ट वाली? मैम रिब केज। रिब केज बेटा, ये किस पार्ट को प्रोटेक्ट करती है? हार्ट। हमारी हार्ट। यस बेटा, हार्ट एंड लंग्स। डबल लंग्स आल्सो। तो आपको क्या करना है, पहले इसका नाम लिखना है, जैसे आपने रिब केज डाल दिया, एंड उसके बाद लिखेंगे
rib cage protects the our delicate heart and lung. और आपको सेम ऐसा ही इनमें भी करना है. स्कल के बारे में लिखना है, ये कैसे प्रोटेक्ट करती है, हिप गर्डल के बारे में. और ये क्या है बेटा लास्ट में, ये कौन सा कंपोनेंट है हमारे स्केलेटन का? वर्टीब्रा कॉलम. वेरी गुड. तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है बुक बी में. यस मैम. बुक नहीं, बुक नहीं तो मैम. मैम. यस बेटा. चलिए बेटा, तो आज हमने जितना पढ़ा सभी को समझ आ गया? यस मैम. यस मैम. होमवर्क भी पता लग गया आपको क्या क्या करना है? यस मैम. चलिए वेरी गुड बेटा, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. आज बस आज के बारे में इतना ही करना था. तो आज सभी को समझ आ गया जो जो हमने पढ़ा है? यस यस मैम. यस बेटा, आपको होमवर्क भी पता लग गया क्या क्या करना है होमवर्क में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो लोग ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं वो नहीं करेंगे. ओके मैम. जिन्होंने नहीं किया है उन्हें सबमिट करना है. ओके बेटा. यस मैम. ओके मैम. ओके, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके मैम. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय मैम.